चित्राल में एक ऐसी बस्ती भी है जहाँ पाँच हजार लोग बसते हैं मगर अभी तक इस वादी का सड़क नहीं है वादी पर शान का रास्ता दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन सड़क शुमार किया जाता है जहाँ अभी तक कई लोग मुख्तलिफ हादसा में जहाँ बाहक हो चुके हैं हमारी टीम पहली बार इस खतरनाक सड़क पर सफर करते हुए इस वादी में पहुंची इन लोगों की कई मुश्किल की रिपोर्ट वैसे तो चतराल के दोनों जिलों में सड़कों की हालत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं मगर लोअर चतरालीस किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी वादी भी है जो अभी तक हुकाम की नजरों से उजर है वादी पर्सन पाँच हजार आबादी पर मुश्तमिल एक खूबसूरत इलाका है मगर अभी तक यहाँ सरकार ने सड़क नहीं बनाया है ये लोग पहले दरिया के किनारे पैदल जाया करते थे क्यूँकी रास्ता नहीं था और सबसे बड़ी रुकावट एक पहाड़ी थी बाद में एक गैर सरकारी इदारे ने उस पहाड़ी में सुरंग निकालते हुए कच्चा रास्ता बनाया इस सड़क के एक तरफ संगलाक पहाड़ तो दूसरी तरफ हजारों फुट नीचे गहरे गहरेकाई और दरिया बहता है मुकामी लोगों का कहना है की इस सड़क में अभी तक मुख्तलि हादसा में पैंतालीस लोग जान बहाक जबकि मुतद जख्मी हो चुके हैं हमारी टीम ने पहली बार इस खतरनाक सड़क पर सफर करते हुए वहाँ पहुँचा जहाँ इलाके के लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्र गुज़ार हूँ कि ये मुश्किल रोड से अपने गाड़ी यहाँ पर सांकी रोड तक पहुँचाया इसके अलावा हमारा रोड के लिए जो काम हुकूमत ने किया है एन ने किया है ये एन का किया हुआ रोड है अभी तक हुकूमत की तरफ से हमारा इस रोड में कोई हम जो है काम नहीं हुआ है अभी हम हुकूमत से अपील है कि हमारा ये मुश्किल रोड में हमारे साथ मदद करें मुकामी लोग मुतालबा करते हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर करें और उसके किनारे दरिया की जानब हिफाजती दीवार भी बनाए जाए ताकि ये लोग मजीद हादसा से बच सके मजीदी पसंद की इस खतरनाक सड़क में जो सुरंग नजर आता है इसको एक गैर सरकारी इदारे ने बनाया है इस सड़क पर अभी तक पंद्रह लोग जम हक हो चुके हैं जबकि पच्चीस जख्मी हुए है पाँच हजार की आबादी सुबह और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको बुनियादी हक यानी सड़क दिया जाए ताकि मजीद मजीदा हाँ से बच सके अहजा फारूकी चतराल। खबरों में फिलवत के लिए इतना ही मजीद तफसत के लिए देखते रहिए सेवन पॉइंट नेटवर्क